पश्चिमी सिंहभूम जिला के बनगांव प्रखंड अंतर्गत जलासार पंचायत में एक गांव जलमय, जो प्रखंड कार्यालय से लगभग 30 किलोमीटर दूर पर अवस्थित है। वहां एक उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय भी है, जिसमें किचन रूम के अभाव में घास फूस पत्ते से बनाए हुए सेट पर मध्याह्न भोजन पकाया जाता है। हमारे विद्यालय में कुल 81 छात्र हैं, छात्र छात्राएं हैं। वहाँ पर बरसात में हम देखते हैं कि बहुत ही दिक्कत होती है। दो संयोजिका हैं वहाँ खाना बनाने के लिए, लेकिन समय पर नहीं बना पाते हैं क्योंकि लकड़ी भींग जाती है। उस घास फूस पत्ते के बीच में सांप, बिच्छू, छिपकली आदि भी रहते हैं, जो हमेशा डर आशंका बनी रहती है कि कहीं पकाते वक्त भोजन पर सांप, बिच्छू, छिपकली न गिर जाए। अगर सांप, बिच्छू, छिपकली भोजन पर गिर जाते हैं तो बहुत बड़ी समस्या हो सकती है शिक्षकों के लिए, उस खाना को पकाने वालों के लिए। इसके लिए आपने आवेदन दिया? जी हाँ, मैंने जून जुलाई महीना में प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय को एक आवेदन दिया है, और उसके बाद CRC महोदय अपने स्तर से खुद बोले हैं कि मैंने आपके लिए किचन रूम के लिए आवेदन दिया है, लेकिन अब तक इसका कोई पता ही नहीं। समस्या को देखते हुए जलमय स्कूल में किचन रूम की व्यवस्था जल्द से जल्द कराया जाए, और आप सभी वीडियो देखने वाले सभी साथियों से अनुरोध है कि बनगांव के BO पीतम्बरम रॉय को उनके मोबाइल नंबर 9471382310 पर फ़ोन करके दबाव दे, ताकि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान हो सके। मैं JVR हमसाय बनगांव पश्चिमी सिंहभूम झारखंड से, इंडिया अनहर्ट के लिए।